सरस्वती जी हैं घर पे? जी। चलिए, आपको हमारे सामने बुलाया। कुछ पता चला है क्या? पता चला आपको एक धमकी वाला फोन आया था जिसे हमें बताना आपने जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों सरस्वती जी? सुरेश ने, आपने, आपके घर के किसी भी सदस्य ने इस बारे में हमें इतला करना जरूरी क्यों नहीं समझा? पहले ये बताइए कि अगर हम आपको इस बारे में बता भी देते तो आप क्या करते? हाँ जी, सरस्वती जी आई थी हमसे मिलने के लिए। तो आप भी जानते थे कि एक्सटॉर्शन के लिए फोन आया था, पर आपने हमें इत्तला करने के बारे में नहीं सोचा। नहीं नहीं मैडम, धमकी वाले कॉल की बात तो हमें आपसे पता चल रही है। तो रामकृपाल जी की पत्नी सरस्वती जी यहाँ पे किस लिए आई थी? वो प्रोविडेंट फंड के बारे में पूछने आई थी। कितना समय लग सकता है कपिल जी? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पुलिस की तहकीकात चल रही है। ऐसे में रामकृपाल जी का प्रोविडेंट फंड रिलीज करवाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप तो जानते हैं कि इनकी कोई ऊपरी कमाई वमाई नहीं थी, बस ये प्रोविडेंट फंड ही हमारा सहारा है। अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपके हक का पैसा आपको मिले। हम दर दर भटक रहे थे 10 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए। उस आदमी ने मांगा था। वो फोन आपको जिस आदमी ने किया था, वो आदमी आपके पति का हत्यारा भी हो सकता है, इतना भी नहीं सोचा आपने? इस बारे में सोचने या ना सोचने से क्या फायदा? हमारे पति तो वापस नहीं लौटेंगे ना, और ना ही सुरेश पर से ये खतरा टलेगा। अगर सुरेश को धमकी मिली है तो हम उसे प्रोटेक्शन देते ना। आपकी नाक के नीचे हमारे पति की गोली मारकर हत्या कर दी। आज 1 महीना हो गया, उन हत्यारों के बारे में कुछ नहीं पता चला। बहुत जल्द वो दोनों किराए के हत्यारे पकड़े जाएंगे और उनको सुपारी देने वाले भी। अगर किराए के हत्यारे हो सकते हैं तो किराए की सुरक्षा भी तो मंगवाई जा सकती है ना। इन सब में आपका क्या काम? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कल के दिन हमारा सुरेश सही सलामत घर लौट आएगा? सुरेश, हम मानते हैं कि अभी तक हम तुम्हारे पिता के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच गए। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि उन्हें पैसे देकर ये सारा मसला हल हो जाएगा तो तुम्हारी सोच गलत है। सर, जब वो कॉल आया हमारे पास तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन था कि उस साले का पता लगाएं, फिर खुद गोली दागे दें उस पर। इससे तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? ऐसे ख्यालों को भी अपने दिमाग में मत आने देना। सर, ख्यालों को रोका थोड़ी जा सकता है, हमारे पापा को मार डाला उन्होंने। पर हाँ, हम इतना भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसा कोई गलती करते, इसलिए हमने अपनी मम्मी और वाइफ दोनों से मशवरा किया। अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो आपको भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हें पैसे दे देंगे। पैसों के बारे में बाद में सोचेंगे मम्मी, पहले आप हमको ये बताइए कि पापा ने कभी आपसे कोई धमकी उमकी के बारे में जिक्र किए थे क्या? तुम्हारे पापा कभी दफ्तर की या बाहर की बात घर पर लेकर नहीं आते थे। पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन हम सब अभी हैं। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, हम कैसे भी करके उन पैसों का इंतजाम कर लेंगे। अरे बाबा, कोई 2 लाख रुपया का बात थोड़ी ना है, पूरे 10 लाख मांगे हैं, और इतना नगद इस नोटबंदी के समय में कहां से लाएंगे बताइए। हो जाएगा इंतजाम, हो जाएगा। तुम्हारे पापा ने कुछ पैसे बचा के रखे हैं और प्रोविडेंट फंड भी तो है ना। हम कतई नहीं जानते थे कि ये हालत है चौबे परिवार की, हमने मदद की भी ऑफर की थी। यकीन कीजिए, इस सब के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे और ना ही जानते हैं। 2 दिन से हम, मम्मी और अनीता, हम सब जमीन आसमान एक कर दिए पैसा जुटाने में, पर कोई इंतजाम ही नहीं हो पा रहा था, किसी के पास कैसे नहीं है। सुरेश, अगर कैश होता भी, अगर नोटबंदी ना भी होती तब भी तुम किसी को 1 रुपया भी नहीं दोगे। तो मुझे इस आदमी का नंबर दो जिसने तुम्हें फोन किया था। 2 दिन से नंबर बंद आ रहा है, हमने कई दफा ट्राई किया। जब इससे तुम्हारी बात हुई थी तब इसने अपने नाम का जिक्र किया था? 10 लाख रुपए का तुरंत इंतजाम कर दिया। नहीं सर। कोई नहीं, हम इस तक और उन दोनों शूटर्स तक जरूर पहुंचेंगे। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक फुल प्रोटेक्शन दो पूरी फैमिली को, आर्म्ड गार्ड्स, बेस्ट आदमी टीम बन गई है सर। गुड, वैसे भी हम बैकफुट पर हैं चौधरी, रामकृपाल के किलर्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमें अपने हाथों में और एक मर्डर नहीं चाहिए। चौबे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी सर। सिर्फ कलेक्टर साहब के ऑफिस से ही नहीं, पूरे पटना से फोन बजने शुरू हुए हैं, और फिर दिल्ली दूर नहीं, और किसी को देने के लिए मेरे पास इस वक्त कोई जवाब नहीं। जवाब होगा सर, बहुत जल्दी होगा।
444-876-598 इस नंबर से सिर्फ एक कॉल हुआ है सुरेश को 20 नवंबर की रात को। मतलब 100% फर्जी नाम और फर्जी एड्रेस। पुलकित सिन्हा कोई है ही नहीं और ये एड्रेस पूरी तरह से फर्जी है। रामकृपाल चौबे के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नो सर, पिछले एक साल के रिकॉर्ड स्कैन किए पर ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जहां से धमकी आई हो। लगता है अंदर से कोई चाल चली गई है। कौन है आप? हम रामकृपाल जी के दामाद हैं, राकेश। ये हमको धमकी वाले फोन के बारे में बताया नहीं किसी ने? अब बताकर क्या फर्क पड़ जाता जीजा जी, और पुलिस को तो हम बता ही दिया ना। आरती तुम्हारी बहन है, अगर तुमको धमकी मिल सकती है तो उसको भी तो धमकी मिल सकती है। और फिर हमको एक गैर है जो हमको नहीं बताया। अब बताया नहीं बताया उसको लेकर बहस करनी जरूरी है दामाद जी? सुने हो, रामकृपाल जी का बेटा सुरेश को जान से मारने का धमकी मिल रहा है। मैंने कौन से बात हुआ हमारा, बता रहा था कि यह जरूर अभय चौहान का करतूत है। फैमिली को 24 घंटे घर में कैद करके रखना 24 घंटे सिक्योरिटी कहते हैं आप ऑफिसर? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो जहां चाहे जा सकते हैं, हमारी टीम उन्हें कवर देगी। जो धमकी दी गई है ये वही लोग हो सकते हैं ना जिन्होंने रामकृपाल चौबे जी की हत्या की? जी सर, पूरी पॉसिबिलिटी है। और फिर भी आपको यकीन है कि ये पेशेवर हत्यारे आपके अधेड़ उम्र के 2-2.5 हवलदारों के खौफ से उनकी फैमिली पर हमला नहीं करेंगे? सर जी, आपके ताने और व्यंग हम समझ रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे। जब होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी यकीन होगा कि आपकी कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ ऑफिसर। सर, एक्सट्रॉशन कॉलर का नंबर फर्जी नाम पर है और एड्रेस भी फर्जी है। सिर्फ एक कॉल की गई थी सुरेश को, नंबर सिर्फ इसी काम के लिए लिया गया होगा। और उसे एक कॉल के बाद कोई कॉल नहीं किया गया, मतलब साफ है ये मास्टरमाइंड की एक चाल है। एकदम साफ है कि ये चाल है। एक तो सर हमें काफी देर बाद पता चलता है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और फिर उसी दौरान ये बात सारी दुनिया में फैल जाती है कि एक कॉल आई थी। फिर क्या होता है, फिर विनय गौर बात फैलाता है कि इस कॉल के पीछे अभय चौहान है। मैडम जी, आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि मुजरिम आपकी आंखों के सामने है? ये अभय चौहान का ही किया कराया हुआ है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि रामकृपाल चौबे जी को इसी बदमाश ने मरवाया और उस कॉल के पीछे भी इसी का हाथ है। इतने यकीन के साथ ऐसे कह रहे हो जैसे कत्ल होने के पहले तुम्हें पता था कि रामकृपाल चौबे जी का कत्ल होने वाला है। 6 महीने पहले से पता था, जब अभय चौहान और हमारी मीटिंग हुई रामकृपाल जी के साथ, उन्होंने हमारा पक्ष लिया क्योंकि हम सही थे। उन्होंने अभय को कहा कि अपनी बाढ़ को पीछे ले ले, फिर अभय ने उनको रिश्वत ऑफर करी जो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दी। सर, मैंने इस विनय गौर की पूरी हिस्ट्री निकाली, एक एक डिटेल्स चेक की कि कहीं ये अभय चौहान के कंधे पर अपनी बंदूक रख के तो नहीं फायर कर रहा, बट नो सर, कुछ भी नहीं मिला इसके खिलाफ। अभय चौहान का कंधा ना सही, किसी और का सही, पर इतना तो पक्का है यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का कंधा जरूर इस्तेमाल कर रहा है। सर, कहीं हमारा कंधा तो नहीं? मतलब एक किलिंग होती है और दो अलग अलग तरफ से हमारी तरफ दो एंगल भेजे जाते हैं कि या तो विष्णु खैरा किलर हो सकता है और या अभय चौहान, और फिर एक तीसरा एंगल उभरता है एक्सट्रॉशन कॉल का, जिसका कोई माई बाप नहीं है, नो हिस्ट्री, नो ज्योग्राफी, सब फर्जी। और सर, एक अजीब बात ये भी है कि ये किलिंग बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की है। दो नकाबपोश शूटर्स बाइक पर आते हैं, पर सर हम एक भी स्ट्री शीटर को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और हमारी इतनी तगड़ी खबरी नेटवर्किंग होने के बावजूद कोई हमें ढंग की खबर नहीं दे पा रहा है। सर, डाउट होता है कौन थे ये दो शूटर्स? सेल्फ डाउट, ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सीरियस रुकावट डाल सकता है, आपको हिलाकर रख देता। और हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े थे जहां पर अब गलत रास्ता लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी और सही रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। सुरेश को एक्सटॉर्शनिस्ट ने धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का हुआ, तो लॉजिकली उसके पिता को भी ऐसी धमकी मिली होगी। लेकिन किस लिए मिली होगी, पैसों के लिए या कोई और कारण हो सकता है? इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जो भी लीड्स मिल रहे थे वो कहीं लीड नहीं कर रहे थे, शायद यही उनका मकसद था, टीम को गुमराह करना, हताश करना। बौखलाए हुए होने के बावजूद हम हाथ पैर मारते रहे, मास्टरमाइंड कौन है, कहां से ये हमारी तरफ फर्जी लीड भेजे जा रहे हैं? लेटेस्ट लीड वो फोन नंबर था जो बेशक फर्जी तरीकों से अपनाया गया था, लेकिन उसमें इस्तेमाल हुआ वो सिम कार्ड वो तो असली था। कॉलर को नहीं, सिम कार्ड को ट्रैक करते हैं। 444-876-598 वाला सिम कार्ड,
ये सिम कार्ड किसी असली दुकान से असली पैसे देकर असली आदमी से खरीदा गया होगा। एक काली चाय दो। हाँ सर, ये नंबर 444-876-598 ये हमारे ही कंपनी का प्रीपेड नंबर है, लेकिन सर वो इस वक्त मुझे तुम्हारे लेकिन सर सुनना ही नहीं है। तुम्हारी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल फिरौती मांगने के लिए किया गया और शायद इसका कनेक्शन एक मर्डर केस में भी हो सकता है। मैं सर सारे डेटाबेसेस को चेक करके रखता हूँ, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको फोन करता हूँ सर। अगर आज शाम को 5 बजे के पहले पहले उस डीलर का सही सही नाम, नंबर और एड्रेस मुझे नहीं मिला ना, तो तुम इस वक्त जहां पर हो ना, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। सलाह करे कोई और भरे कोई। सुनिए ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, सुरेश भैया बुरा मान जाएंगे ना। इसमें बुरा मानने वाला कोनो बात है ही नहीं, तुम उसकी छोटी बहन हो, तुम्हारे बारे में सोचना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं। सर 444-876-598 का नंबर बेगूसराय के ही एक डीलर के पास पहुंचा है। सुबह से ये पता किया तुमने? सर उसका नाम चंदर गुप्ता है, शिव ओम मोबाइल्स, 5/16 मोहन नगर मार्केट बेगूसराय कोर्ट के पीछे। ये लिखा है ना सब, पुलकित सिन्हा 52 परिमल बिल्डिंग 5th फ्लोर। ए चंद्र गुप्ता, परिमल बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लोर है, पूरी बिल्डिंग में पुलकित सिन्हा कहीं भी नहीं रहता। किसको भेजा था वो सिम? वैसे तो कितने लोग आते हैं अब याद थोड़ी रहता है। 20 नवंबर को वो सिम तेरी दुकान से इशू हुआ था, एप्लीकेंट का नाम, नंबर, एड्रेस, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, पर मुझे असली आदमी चाहिए जिसने वो सिम खरीदा था। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 4 यार। तुम, हम, ये लॉकअप और ये डंडा, पुरानी यादें ताजा होंगी, हर फर्जी सिम की असली कहानी सुनाएगा तू। अब हम छोटे मोटे आदमी हैं, हमको क्यों फंसा रहे हैं इस कांड में? कांड छोटा मोटा नहीं, मर्डर हुआ और इस मर्डर में तुझे कितना फंसाना है ये हमारे ऊपर है, और कितना बचना है ये तेरे ऊपर है। घड़ी देख ले, 1 मिनट में सब सच बोलेगा ना तो वार्निंग दे के अभी के अभी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर झूठ बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा तो फिर ये डंडा बोलेगा। सब वो एक आदमी है दीपक ठाकुर। जाहिर सी बात है ये तेरी कोई पहचान वाला ही होगा। दरअसल मैं जानता हूं दीपक ठाकुर, वो कमीशन देता है मुझे। सब कैसा कमीशन? मैं उसका काम जानता हूँ सर। क्या धंधा था उसको? हफ्ते में 1-2 बाइक तो उठाता ही और फिर भेज देता है उनको, नंबर बदलते रहता है साहब ताकि आप लोगों से दूर रहे। एड्रेस? हर हफ्ते नंबर बदलता है, तो एड्रेस कैसे फिक्स होगा? बाइक कहाँ भेजता है? पटना से। पेशेवर बाइक चोर है तो 100% क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा ही होगा इस दीपक ठाकुर का। लगता है ये फर्जी सिम वाला बाइक चोर हमारा असली ब्रेक थ्रू है सर। राहुल हमें नहीं पता हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, पर रामकृपाल चौबे के शूटर्स बाइक पर आए थे। अब सवाल ये है क्या ये बाइक चोर उस सुपारी किलिंग में शामिल था? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैडम सच कहें तो हमको भी नहीं पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस अटपटा लगा तो शेयर कर रहे हैं आपके संग। हाँ तो कीजिए ना शेयर। मैडम ये अपने रामकृपाल जी की बिटिया है ना आरती, उसका पति है राकेश। हाँ हाँ आगे। मैडम आप लोग लगे पड़े हैं कातिल को पकड़ने, हम लोग भी सदमे में अभी तक रामकृपाल जी को लेकर, और ये राकेश ये क्या करता है? ये रोज दफ्तर में आ धमकता है अपनी पत्नी आरती की अर्जी लेकर। आरती की अर्जी जॉब के लिए? मतलब अब ये जॉब मिलेगी एज अ कॉम्पेंसेशन?
रामकृपाल जी की अननेचुरल डेथ की वजह से। अब बताइए ऐसी भी क्या हड़बड़ी है। देखो कानून के हिसाब से तो देखना पड़ेगा, पर नैतिकता के हिसाब से तो नौकरी का पहला ऑफर सुरेश को जाना चाहिए और जाएगा भी। सर ऐसे कैसे जाएगा, और पहला ऑफर आरती को क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई हम लोग यहाँ बैठकर काहे बतिया रहे हैं, पुलिस लगी पड़ी है हथियारों को ढूंढने में, सारा माहौल इतना तंग है। अरे सब कुछ पहले सेटल हो जाने दीजिए, फिर आप लोग बैठकर तय करिएगा कि कौन अर्जी डालेगा कौन नहीं डालेगा। लेकिन जब नोटिस निकलेगा नौकरी का तो आप पहला फोन हम ही को करेंगे ना? अब होने को तो इनका घर का मामला भी हो सकता है, लेकिन जमाना तो खराब चल रहा है ना मैडम। ये दीपक ठाकुर तो बाइक चोरी में एमए पीएचडी किया हुआ है मालिक, अपने बेगूसराय सिटी में जो रतन चौक थाना है ना गोल मंदिर के पीछे वाला, वहाँ इसके खिलाफ एक नहीं दर्जन भर केस दर्ज है। मैं उसके सारे रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ, तो ये पता कर कि इस वक्त दीपक ठाकुर कहाँ मिलेगा। राकेश। यस सर, हरी प्रसाद ने खुद फोन किया। सर ये रहा हमारा दीपक ठाकुर, रतन चौक पुलिस थाने में इसकी पूरी पोथी बन चुकी है। हम लोग अभी तक मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस को खंगाल रहे थे, लेकिन यहाँ सुराग निकला तो बाइक चोर का सुराग है या हमें गुमराह करने की एक और कोशिश, क्योंकि पैटर्न फिर वही। हमारे सामने फिर से दो एंगल, एक दीपक का और दूसरा राकेश का। राकेश वाले एंगल में पॉइंट तो था, रामकृपाल 4 महीने में रिटायर होने वाला था तो कॉम्पेंसेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर ये दीपक ठाकुर वाला एंगल भी उस एक्सट्रॉशन वाले कॉल के थ्रू सामने आया था, और उस कॉल वाले एंगल पर पहले से ही सवालिया निशान था। दरअसल हम इन दोनों एंगल्स के बीच कनेक्शन ढूंढ रहे थे, हम इन दोनों को क्लोजली फॉलो करने लगे, हम इस केस को क्रैक करने पर पूरी तरह से फोकस्ड थे, पर इतने में कहीं और कुछ और ही पक रहा था, एक तीसरा एंगल जो बहुत जल्दी हमारे लीड्स के कारवा में शामिल होने वाला था, पर उस वक्त हमारे रडार में बिल्कुल नहीं था। हेलो। प्रणाम कैलाश प्रजापति जी। प्रणाम, कौन बोल रहे हैं? हम कौन बोल रहे हैं वो छोड़िए, बस हमारा बात ध्यान से पकड़िए। अब कैसी बात? यही कि बहुत जल्दी आपकी धर्म पत्नी जो हैं वो आपकी विधवा कहलाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो, कौन बोल रहा है तू? मंगल सिंह, मंगल सिंह नाम है हमारा, पुलिस को बताना हो बता दीजिए, कहीं लिखवाना हो लिखवा दीजिए, और साथ में अपना बीवी बच्चा के नाम जो जो लिखवाना हो वो काम भी करवा लीजिएगा, क्योंकि हम आपको गोली मारने वाले हैं। अच्छा समझे, तुमको पैसा चाहिए? हमको तो आपके जैसा जिंदगी चाहिए साहब जी। कितने पैसे चाहिए तुमको? तब उनके तौर पे 10 लाख ठीक रहेगा, आप कल तक जुगाड़ कर दीजिए, परसों हम ले लेंगे आपसे। हेलो हेलो सुजित, इस राकेश त्रिवेदी पर मुझे 2400 घंटे सर्विलेंस चाहिए, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, पूरी डिटेल्स। उस बाइक चोर का एड्रेस निकाला क्या गोविंद? मालिक ये दीपक ठाकुर पिछले 6 महीने में 3 बार घर चेंज कर चुका है, अभी का ठिकाना पता नहीं चला है। मोबाइल नंबर? तीनों मकान मालिकों के पास अलग अलग नंबर थे, सारे फर्जी। कुछ तो असली खबर सुना गोविंद। आप पटना घुमाइए, वहाँ के सिटी जेल में 2 सितंबर को ये दीपक ठाकुर मौजूद था। किस चार्ज में गिरफ्तार हुआ था ये? सर गिरफ्तार नहीं हुआ था, किसी से मिलने गया था। दो सितंबर को ये दीपक ठाकुर हमारे जेल के एक कैदी मंगल सिंह को मिलने आया था, उम्र कैद की सजा काट रहा था ये मंगल सिंह। मर्डर चार्ज? जी हाँ। जेलर साहब हम अभी बेगूसराय से निकल रहे हैं आपके इस मंगल सिंह को मिलने के लिए, रामकृपाल चौबे जी के मर्डर के सिलसिले में इससे कुछ पूछताछ करनी है। पढ़ा था उस केस के बारे में, लेकिन इंस्पेक्टर इस वक्त मंगल सिंह जेल में नहीं है। क्यों, बेल होगी क्या? दरअसल 28 सितंबर को मंगल सिंह की सुनवाई थी बेगूसराय के जिला कोर्ट में एक दूसरे केस के सिलसिले में। बेगूसराय के सादिक बाग थाने का केस था, इंक्वायरी अभी भी चल रही है उस केस की, और जब सादिक बाग पुलिस मंगल सिंह को बेगूसराय से यहाँ वापस पटना सिटी जेल लौटा रही थी उस वक्त मंगल एस्केप कर गया। क्या? बेगूसराय का एक बाइक चोर दीपक ठाकुर पटना जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मंगल सिंह को मिलने जाता 2 सितंबर, और यह मंगल सिंह बेगूसराय से कोर्ट की सुनवाई के बाद 28 सितंबर को पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता। कुछ मिल रहा है सर? और सर सुरेश को मिली एक्सटॉर्शन की कॉल नहीं साबित हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर सुरेश की जान को खतरा असली है, क्योंकि अगर सुरेश मारा जाता है तो फिर आरती को उस जॉब पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, फिर वही होगा जो राकेश चाहता है। राहुल, वर्षा, रामकृपाल चौबे जी की हत्या का मास्टरमाइंड उनका दामाद राकेश भी हो सकता है। अंदर की बात सर, और हम दफ्तर में ढूंढ रहे थे, खिचड़ी घर में ही पक गई थी।
सर राकेश पे चील की तरह नजर रखे हुए हैं, बट सर अभी तक कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं हुआ है। कॉल रिकॉर्ड्स भी बिल्कुल क्लियर है। पता करो कि 2 सितंबर और 28 सितंबर को यह राकेश कहाँ था और किसके साथ था। इस सारी साजिश की प्लानिंग बहुत पहले की गई थी। सर हम लगे हुए इस मंगल सिंह के पीछे, बड़ी प्लानिंग से फरार हुए, लेकिन दीपक ठाकुर वाले अंकल हमें सूझा नहीं। फरार कैसे हुआ? बेगूसराय सेशन कोर्ट में इसकी पेश हुई, उसके बाद हम ट्रेन से इसको पटना ले जा रहे थे। यात्री कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 3 के किनारे से दूर रहे, तेज गाड़ी पास होने वाली है। अंदर भी आएंगे का? हमें अंदर आने का शौक नहीं है, अपना काम खत्म करो, जल्दी से बाहर आओ। मंगल हुआ क्या तेरा? मंगल, मंगल टॉयलेट के खिड़की के सरिये काटे हुए थे पहले से। सर 5 मिनट में टॉयलेट की खिड़कियों के सरिये काटना मुमकिन नहीं है। फिर? बस फिर हम दौड़े बाहर की तरफ। भाग निकला सर। टॉयलेट की खिड़की के सरिया पहले से काटी हुई थी? पहले से। ये कब तय हुआ कि मंगल सिंह की पेशी 28 सितंबर को होगी? सर अगस्त के आखिरी हफ्ते में हमारे पास कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था, जिसे हमने पटना जेल को फॉरवर्ड कर दिया था तुरंत। मतलब मंगल सिंह ये बात पहले से जानता था कि 28 सितंबर को उसकी पेशी। अगस्त के आखिरी हफ्ते में खबर मिली सुनवाई की, 2 सितंबर को ये बाइक चोर दीपक ठाकुर मिल रहा है मंगल सिंह से, और 28 सितंबर को सुनवाई के बाद ये मंगल सिंह ट्रेन के टॉयलेट से फरार हो गया, जहां किसी और ने ट्रेन की खिड़की के सरिये काट के रखे होंगे पहले से। सर राकेश के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 28 सितंबर को राकेश मैथानी स्टेशन पर गया ही नहीं, जहां से मंगल फरार हुआ था, और ना ही 2 सितंबर को वो पटना गया था। और राकेश के कॉल रिकॉर्ड्स में दीपक ठाकुर का नंबर? नो सर, वैसे भी दीपक के सारे नंबर फर्जी ही होते हैं, लेकिन दीपक के फर्जी नंबर मैंने राकेश के कॉल रिकॉर्ड्स में चेक किए, एक भी नहीं है। इस मंगल सिंह और दीपक ठाकुर के लिए मैन हंट लॉन्च करते हैं, बड़े वाला। इतना तो क्लियर है कि ये दोनों रामकृपाल चौबे की हत्या में शामिल थे, हालांकि हत्या का मोटिव एक्सटॉर्शन था या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। और बाकी बचा राकेश वाला एंगल। दोनों में से एक हो सकता है सर, ये एक्सटॉर्शन का मामला पहले से ही वीक लग रहा था, तो शायद हमारा गुनहगार ये राकेश ही हो। एसपी साहब, हम अब भी वेट ही कर रहे हैं। सर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंतजार खत्म हुआ, ये लो मुजरिम। हाँ पर इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ठोस कड़ियां हाथ लग गई हैं। कैसी कड़ियां हाथ लगी हैं? सर इस वक्त कुछ कहना प्रीमैच्योर होगा। मतलब आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमें श्योर होना है कि ये सारी कड़ियां मिलकर केस सॉल्व कर पाएंगे। गणित बैठते ही मैं सबसे पहले आप ही को फोन करूंगा। रिटायरमेंट से ठीक 4 महीने पहले किसी ने ऐसी दुश्मनी निकाली, ये बात बार बार हमारा दरवाजा खटखटा रही थी, पर हमने वो दस्तक सुनी ही नहीं। हमने वहां देखा ही नहीं जहां बहुत पहले या सबसे पहले देखना चाहिए था। मास्टरमाइंड बराबर इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर रहा था, पर ये मंगल और दीपक ठाकुर वाला एंगल भी सही लग रहा था। उस वक्त प्रेशर पीक पर था और हमने कत्ल का मोटिव एक तरफ पार कर दिया। अब हमें वो 2 आदमी चाहिए थे और हम हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ गए, और ये दोनों हाथ आए पर किसी और के। चौधरी जी, आपके दोनों ओपनिंग बैट्समैन आउट कर दिए हमने, दीपक ठाकुर और मंगल सिंह। हाँ वही दोनों। कब मिले, कैसे मिले? तरोताजा गिरफ्तारी है, 2 घंटे पहले की। Oh,
पीठ में, सिर में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोहा नहीं ठोकेंगे। बड़ी शिद्दत से पुलिस फोर्स तुझे ढूंढ रही थी मंगल सिंह, नाम मिलने का तो सवाल ही नहीं था। मंगल सिंह और दीपक ठाकुर को क्राइम ब्रांच वाले एक घंटे में हमारे वाले करने वाले। वर्षा, राकेश फिसल आनी चाहिए। सर, मैं सेफ्टी के तौर पर उसे अभी यहाँ ले आती हूँ। एक मर्डर में तो तुम पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे, और दूसरे मर्डर केस की सुनवाई के बाद तुम हो गए फरार। काशी यात्रा करने के लिए तो फरार नहीं हुए, तुम फरार हुए थे रामकृपाल चौबे का मर्डर करने के लिए, हाँ या ना? ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं है सरकार, हमारा जवाब है हाँ, हम ही रामकृपाल चौबे को ठोके थे। भाई दीपक हुआ बाइक चला रहा था, वो भी चोरी का। तुम लोग हो पेशेवर मुजरिम, शातिर खिलाड़ी, इतनी आसानी से तो अपना जुर्म कबूल करोगे नहीं। तुम दोनों कहीं पैसे वैसे के चक्कर में किसी दूसरे का जुर्म अपने सर पर तो नहीं ले रहे? नहीं सर, हम पेशेवर हैं, जब गेम हार जाते हैं तो टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, अब बेकार में खुद को कुटवाने का क्या मतलब। अरे मंगल भाई, आज तो मौका सही लग रहा है, ये बड़े बाबू तो निकल गए अकेले, ये साला चौबैया आएगा पीछे से पैदल, वो भी अकेले। मैं काम करो, एक बार दफ्तर में देखा। मंगल भाई, आज अपना दिन लग रहा है, चलो। रामकृपाल जी, राम राम जी। राम राम। सुपारी कौन दिया? हम ही हमको सुपारी दिए सरकार, अब भूमि निरीक्षक आदमी है, हमको लगा कि नोटों में डूबा होगा बुढ़ा, 10 लाख तो हाथ का मैल होगा, दे देगा चुपचाप से, लेकिन ना, वहां भी अपना ईमानदारी झड़ा साला। तुमने रामकृपाल चौबे से कब पैसे मांगे थे? कई दफा मांगे, हर बारी हरिश्चंद्र बनते रहा साला। तुम पेशेवर मुजरिम होने की आड़ में सच बोलने का ढोंग कर रहे, पर तुम लोग ये भूल गए कि हम भी पेशेवर पुलिस वाले हैं। तुम जैसे भांडों को ना चुटकी में पहचान लेते। मंगल सिंह, अब सीधे सीधे ये बताओ कि राम कृपाल चौबे की सुपारी तुम्हें किसने दी थी? राम कृपाल चौबे से तुमने कभी कोई पैसा मांगा ही नहीं। एक बात पूछे, आपको किसने सुपारी दिया है किसी और को फंसाने का? यहां सवाल सिर्फ हम पूछते हैं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, रामकृपाल चौबे की सुपारी किसने दी थी? हमारा एक ही जवाब है सरकार, हमने रामकृपाल चौबे से 10 लाख रुपया मांगा, उसकी जान के एवज में उसने नहीं दिया तो हम उसको ठोक दिए, फिर उसके लड़के है वो सुरेश चौबे से भी पैसा मांगा, वो भी मुकर गया, हम उसको मारने का प्लानिंग बना ही रहे थे कि इतने में आप लोग। दीपक ठाकुर, इसका तो हम भरता चौका बना ही देंगे, अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या करना है। मंगल भाई ने जो बोला है सब सच बोला है साहब। झूठ बोले, साफ साफ झूठ बोले। लेकिन क्यों बोल रहे हैं हम नहीं जानते सर, एक हिंट तक नहीं हमारे पास। किसी भी कीमत पे टूटना नहीं। इतनी देर से हमको यहाँ पर बैठा करके रखा है, लेकिन कारण बताएंगी? कब तक बैठाएंगी हमको यहाँ? जब तक हमारा शक यकीन में नहीं बदल जाता। होने को 5 मिनट भी लग सकते हैं और 5 घंटे भी, पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मंगल और दीपक कितनी कुटाई सह सकते हैं। ये मंगल सिंह नहीं टूटेगा, एक मर्डर में उम्र कैद की सजा काट रहा है, इस पर एक और चार्ज लग भी गया तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीपक ठाकुर को पड़ेगा सर, और ये टूटेगा भी 100%। ये सुपारी के लिए और गोली इन दोनों ने चलाई, लेकिन दुश्मनी किसी और की। आजा दीपक, वहां क्राइम ब्रांच वाले हमसे कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और हमने भी उनसे कह दिया कि तुम भी हमारे लिए बेकार हो। सुजीत साइलेंसर लेकर आओ, इन लोगों ने भी साइलेंसर यूज किया था ना। दीपक, अच्छा है कि तू अनाथ है, अगर तेरे बीवी बच्चे होते ना तो तुझे मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता यार। नहीं सर, एक चांस दीजिए, हम आपको सब कुछ सच बता देंगे। बोलता रहे बोलता रहे, मेरा दिमाग ठीक रहेगा तो हो सकता है कि तू बच जाए। हाँ सर, 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 कुछ पहले से ही प्लान हो चुका था। सीधे सीधे बता दे, रामकृपाल चौबे के नाम की सुपारी किसने दी थी तुझे? क्या ये रतन चौक में जहाँ दीपक गिरफ्तार हुआ था ना, इसके साथ एक और बंदा गिरफ्तार हुआ था जो जेल में था इसके साथ। कौन? गोविंद? सुरेश, रामकृपाल चौबे जी के सुपुत्र।
सब कुछ सुरेश के कहने पर हुआ था सर, उसी के कहने पर हमने उसके बाप को ठोक दिया था। क्या बोला? बेटे ने अपने ही बाप को मारने की सुपारी दी जी। और फिर तुम लोगों ने जबरन उससे पैसा वसूल करने की कोशिश की, उसे फोन पे जान से मारने की धमकी दी। नहीं 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 सर, जबरदस्ती नहीं की थी, वो तो हमारा मजदूर ही था। सुनो यार मंगल, पैसा जुटाने में थोड़ा समय तो लगेगा भाई। सुरेश भाई, आपने कहा था कि आपके बाबूजी का प्रोविडेंट फंड तुरंत हाथ में मिल जाएगा और आपको उनकी नौकरी भी। एक महीना से ऊपर हो गया है काम किए, और पुलिस वालों को भी कोई भनक नहीं पड़ी है, कुछ उखाड़ नहीं पाए अब तक। लेकिन पुलिस पागलों की तरह केस पर लगी पड़ी है ना भाई, समझा करो यार। पापा का पीएफ भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, पर हमारी नौकरी लगने में अभी समय है भाई। उन सबसे हमारा क्या लेना देना भाई, इंतजार करो यार। हम तो बैंक का सेविंग अकाउंट में भी हाथ नहीं डाल सकते, सारी नोटबंदी शुरू कर दी सरकार ने। हम आपके काम के लिए जेल से भागे थे, हमारे ऊपर न छत है और ना खाने का दो वक्त का रोटी, ऊपर से नोटबंदी ने बैंड बजा रखी है। अरे हम तो बैंक जाके पैसा भी नहीं निकलवा सकते हैं भाई, जल्दी से कोई जुगाड़ कीजिए आप और हमको हमारे हक का पैसा दिलवाइए, नहीं तो हम सीधे पुलिस को फोन कर देंगे और कर देंगे उल्टी। ये एक थे सरवन कुमार पुरानों में, आदर्श बेटे, और ये हैं पार्ट टू। सर ये कह रहे हैं सुरेश चौबी ने सुपारी दी थी। अगर इस बार झूठ बोला या हमें घुमाने की कोशिश की तो केस को साइड में रखकर ना, तो मैं यही ठोक दूंगा। अरे नहीं नहीं सर, माँ कसम एकदम सच बोल रहा हूँ। तो सुरेश चौबे ने सुपारी दी थी जी। इसलिए तुम जेल में गए थे मंगल सिंह को मिलने, सुनवाई के बाद मंगल सिंह का फरार होना, ये सब प्लानिंग थी। जी जी सर, सब कुछ ऐसे ही हुआ था, सब कुछ सुरेश के कहने पे ही हुआ था। सरस्वती अपने इस नालायक को समझा दो कि हम आखिरी बार इसकी जमानत करवाए हैं, आज के बाद बाइक तो क्या, एक सेफ्टी पिन भी चुराई ना इसने, तो इसके नाम के पीछे से हम अपना नाम कटवा देंगे। बस भी कीजिए, रात भर डांटे हैं, अब दफ्तर जाते वक्त क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा ठीक है, गुस्सा करना चाहिए था वक्त पर तुम्हें, जब तुम्हारे लाडले ने पहली बार चोरी की थी। सारा दोष मम्मी के सर पे ना थोपो पापा, अगर दूसरों के बापों की तरह आपने भी अपने बेटे के लिए कुछ किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखते। खुद तो अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत है नहीं, तो दोष हम पे लगा दी। ये पैरों वाला जुमला बहुत पुराना हो चुका है पापा, आपकी पुरानी सोच अब सड़ने लगी है, बू आने लगी है। सुरेश चुप कर। दुनिया भर में लोग अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते मम्मी, राजनीति ले लीजिए, हर पार्टी में टॉप की कुर्सी पर ऐसे लोग हैं जो पसीने के रास्ते से नहीं पहुंचे बल्कि खून के रिश्ते के कारण बैठे हुए हैं। उनके माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते ना, तीन सालों को इलेक्शन का सर्कस का टिकट तक नसीब नहीं होता। और फिल्मी दुनिया का तो पूछो ही मत भाई, खानदानी रिश्तेदारी हो तो लंगूर को भी हीरो बना देते हैं, और एक ये है जो असली लाइफ में हीरो होने का भरम पाल रहे हैं। आपकी ये ईमानदारी की भाषणबाजी सुनने वाली ऑडियंस है ना, दफ्तर में, चाय के ठेले पर, बिरादरी की बैठकों में, ये सब आपको संत का दर्जा तो देते हैं लेकिन खुद अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन तरीके से सेटिंग करते हैं, उनके लिए नौकरियां लगवाते हैं, सिफारिशें करते हैं, और जरूरत पड़ने पर ढेर सारा पैसा भी खिलाते हैं। इससे कोई गलतफहमी मत रहिएगा कि आप कोई महात्मा है, सच कहें मम्मी, लोगों के लिए ना एक जोकर है। जोकर? चुप कर। ठीक है भाई, हम जोकर ही से, लेकिन ये जोकर कभी रिश्वत नहीं लेगा, ये जोकर कभी किसी नालायक की सिफारिश नहीं करेगा। हाँ, आज की बात तुम अपना देख लो भाई। सरस्वती, अगर आज की बात तुमने इस लड़के को जेब खर्ची का एक पैसा भी दिया तो हमारी कसम हम जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करेंगे, और हमारे जाने के बाद भी जो कुछ भी बचेगा उसमें से इसे एक ढेला नहीं मिलेगा, सारा पैसा दान कर दे किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन इसके हाथों हमारी कमाई लुटने नहीं देगी। हमारा तो न माई था न बाप था, पर हम इतना बता सकते हैं कि ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये सुधरने से तो रहा, जैसा है तैसा है, पूछ लो तुम और देख लो। 5 महीने में रिटायर होने वाले हैं पापा, अब फर्क पड़ जाएगा हैं? वो पहले भी तुम्हारा काम के नहीं थे और बाद में भी तुम्हारा काम के नहीं रहेंगे। रिटायर होने के बाद सारा पीएफ जो मिलेगा वो दे देगा हमारी बहन आरती को, या फिर पागल बुड्ढा सच में दान बन कर देगा। तुम कब अपने घर में डाका डालने की सोच रहे हो? ना 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 ना, उससे बेटर आइडिया है। अच्छा, खत्म कर देते हैं रामकृपाल चौबे। सही कह, एक बार बुड्ढा मर गया तो कंपनसेशन में सरकारी नौकरी मिलेगी हमको, और पीएफ का सारा पैसा जाएगा मम्मी को, और मम्मी हमारी मुट्ठी में है,
हमारे पापा को ठोक दोगे दीपक, पीएफ के कम से कम 25 लाख मिलेंगे, 10 तुम्हारे। पागल हो गया क्या तू? ठोक देगा हमारे बाप को? बाइक चोरी करते हैं हम, मारना वारना ये हमारा बस का बात ही नहीं है, हम कभी किए ही नहीं है। हाँ तो 10 लाख भी कभी देखे हैं? देखो यार, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो किसी तजुर्बेकार को साथ ले लो। ये पान सुपारी के लाइन का एक तो दोस्त है हमारा, लेकिन पुलिस ने उसको रिटायर कर दिया, मर्डर का केस में उम्र कैद का सजा काट रहा। बात करो उससे, अरे उसका खुद का आदमी तो होगा कोई। हमें यहाँ से निकलवा लो, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है दीपक। बेल तो आपका होने से रहा मंगल भाई। अरे बेल गया तेल लेने। हमारी 28 तारीख को बेगूसराय सेशन कोर्ट में एक दूसरे केस की सुनवाई है, उस ससुर सुरेश चौबे के साथ मिलकर कोई चक्कर चला दो। अरे महाराज सुनिए, समन्वय लेके खड़ा हो जाइए, 10 मिनट में मैथानी स्टेशन आ रहा है, हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट, ठीक है ना? हाँ। अच्छा सुनो, यहाँ से उतर जाएंगे, तुम रेडी रहना और आराम से उतरना, ठीक है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मंगल सबसे पहले साले ये हथकड़ी खुलवाना है। अरे टेंशन याओ मत, यहीं पास में बंदोबस्त किए हैं। सर हम रोज चक्कर लगाते थे, शाम को तैयार रहते थे, लेकिन राम कृपाल बड़े बाबू के साथ निकल जाता था। उस दिन बड़े बाबू अकेले निकल गए तो हमने अपना काम कर दिया। सच कहे मम्मी, पापा ने कभी हमको अपना बेटा माना ही नहीं। तुम कभी हमको अपनी माँ माने थे सुरेश? यकीन करो मम्मी, हमारी लाइफ में सिवाय आपके हमने कभी किसी को अपना नहीं माना, आरती को भी नहीं। पापा ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे। तुम्हारे पापा ने कभी ऊपरी कमाई का एक पैसा नहीं बनाया, अपनी तनख्वाह से तुम्हारी और आरती की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें अच्छी तालीम दी, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन तुमने उन्हीं का कत्ल कर डाला। हमसे कहते रहे, तुम्हें धमकी मिली। जीते जी तुम्हारे पापा इसी चिंता में रहते थे कि कहां गड़बड़ हो रही है तुम्हारी परवरिश में। एक बात कह देते हैं, आज अपने दिल पर पत्थर रखकर हम ये मानते हैं कि तुम्हें पैदा करना हमारी सबसे भारी गलती थी। रामकृपाल जी का बेटा सुरेश चौबे इस हत्या के पीछे। What? जी सर, वो एक पेटी क्रिमिनल है। उसने अपने एक बाइक चोर साथीदार की मदद ली, उन्होंने मिलकर एक मर्डर कन्विक्ट को भागने में मदद की, वो तीनों इस मर्डर में शामिल है। एसपी साहब यकीन नहीं हो रहा, ये सुरेश रामकृपाल जी का असली बेटा है? 100% असली बेटा है सर, पर जब नियत ही खोटी हो तो रिश्ता असली कैसे हो सकता है। एक्चुअली बिगनिंग से ही मास्टरमाइंड बिल्कुल आपके सामने था। शक के दायरे में इसलिए नहीं आया क्योंकि फैमिली पर सिंपैथी का पर्दा चढ़ा हुआ था। एक तरह से हमसे कुछ अहम चीजें मिस हुई। पहली बात, प्रेशर में आकर हमने बाहर के सारे एंगल टटोले, लेकिन पर्सनल एंगल, घरेलू एंगल स्किप कर दिया।
इसके चलते रामकृपाल चौबे के बेटे सुरेश चौबे की क्रिमिनल हिस्ट्री कभी हमारे सामने नहीं आई। एक उम्र कैदी का जेल से सुपारी लेना चिंता का विषय है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। जब एक छटा हुआ क्रिमिनल हमारी फोर्स की गिरफ्त से फरार हो जाता है और दोबारा एक संगीन जुर्म करता है तो हमारी पूरी फोर्स पर एक सवालिया निशान लग जाता है। इस एरिया में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है और यह गुंजाइश तभी मुमकिन है जब हम सबका कमिटमेंट और फोकस 100% होगा। बिल्कुल अर्जुन के उस तीर की तरह जिसे मछली की आंख के सिवा कुछ नजर नहीं आया। सुरेश चौबे, दीपक सिंह और मंगल सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।